नमस्कार, मैं हूं देवेश जायसवाल। पिछले कई दिनों से आपको लगातार टीवी न्यूज चैनल्स पर, न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया पर, हर जगह, फिर चाहे व्हाट्सएप ग्रुप जोक्स हो या फिर ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा हैंडल या फिर आपके आसपास हो रही चर्चा, हर जगह केवल एक ही नाम ट्रेंड कर रहा है, वो है डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम। अपने आप को भगवान और हीरो की तरह प्रोजेक्ट करने वाला यह शख्स राम रहीम, इसके बारे में मैं आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग तथ्य बताऊंगा, ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिनको सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे। राम रहीम का रहन सहन इतना लग्जरियस है कि शायद एक आम आदमी या आप और मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं आपको राम रहीम की गुफा नामक तथाकथित महल के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा जो शायद आप सपने में भी नहीं सोच सकते। अपने आप को मैसेंजर ऑफ गॉड यानी ईश्वर का फरिश्ता बताने वाला यह शख्स अपने भक्तों से, अपने फॉलोअर्स से, अपने बिजनेसमैन भक्तों से सामाजिक कार्य के नाम पर करोड़ों रुपए की फीस वसूलता था और इन पैसों का इस्तेमाल अपनी लग्जरियस लाइफ जीने के लिए करता था। अपने आप को सन्यासी बताने वाला राम रहीम के पास दुनिया की सबसे महंगी बिकने वाली गाड़ियों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है, जिसमें उसके पास रोल्स रॉयल्स, फरारी, मर्सिडीज, हैमर जैसी कई बड़ी गाड़ियों के कई मॉडल्स मौजूद हैं। इसके पास अपना एक बड़ा साम्राज्य जो पंचकुला में है, जो करीब 1000 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है, जिनमें से 700 एकड़ जमीन पर केवल खेती की जाती है और करीब 100 करोड़ जमीन एकड़ जमीन पर ढोंगी राम रहीम का गुफा कहलाया जाने वाला सो कॉल्ड महल है। यह महल इतना आलीशान है कि किसी 5-स्टार होटल को भी ये पीछे छोड़ता है। इस महल में एंट्रेंस के लिए 3 द्वार बनाए गए हैं, जिसमें से केवल एक ही उन खास लोगों के लिए खोला जाता है जिन्हें इस गुफा में आने का अवसर मिलता है। इस गुफा में आने वाले लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि एक तो उन्हें अपने सो कॉल्ड पाखंडी बाबा गुरमीत राम रहीम के पास जाकर उसके नजदीक से दर्शन करने का मौका मिलता था और दूसरा उन्हें यहाँ आकर जन्नत का एहसास मिलता था, एक ऐसी जन्नत जिसे शायद अपने जीवन में वो कभी नहीं देख पाते। महल के अंदर जाते ही एक बड़ा सा हॉल दिखाई देता है जिसमें चारों तरफ कांच से नक्काशी की गई है। यहाँ पर यह पाखंडी बाबा प्रवचन दिया करता था। इस पूरे महल में हर जगह गन लिए कमांडो खड़े रहते हैं जो आपके हर मूवमेंट की जानकारी रखते हैं और आपके हर मूवमेंट की जानकारी उसे कंट्रोल रूम तक पहुंचाते हैं, यानी कि इस गुफा में कंट्रोल रूम भी है। ऐसे इस महल में कई बड़े बड़े हॉल्स मौजूद हैं जो अलग अलग कार्यक्रमों के लिए बने हुए हैं, जिन्हें अलग अलग समय पर इस्तेमाल किया जाता था। कई बेशकीमती सोफे और कुर्सियां हैं, रेड हार्टेड पिलोज हैं, जिनमें से एक सोफे की कीमत करीब लाखों रुपए है और बाबा के खुद के सिंहासन की कीमत लगभग 5 लाख रुपए थी। 2 शानदार डाइनिंग टेबल्स हैं जिन पर राम रहीम अपने खास मेहमानों के साथ, विदेशी गेस्ट के साथ खाना खाया करता था। महल में एक बड़ा स्विमिंग पूल है, एक बड़ा रेस्टोरेंट है, एक एनआरआई गेस्ट रूम है जिसमें अक्सर राम रहीम से मिलने आने वाले बड़े बड़े राजनेताओं को ठहराया जाता था और उनका राम रहीम के द्वारा पर्सनली खास ख्याल रखा जाता था। 5-स्टार की तरह बने इस पूरे महल में बड़ी बड़ी पेंटिंग्स है, वर्ल्ड क्लास इंटीरियर है, इंपोर्टेड डेकोरेशन का सामान है जिसे देखकर किसी भी आम आदमी की आंखें फटी की फटी रह जाए। महल पूरी तरह एसी कमरों से लैस है, किसी भी रूम का दरवाजा बिना बायोमेट्रिक पंचिंग के खुल ही नहीं सकता। राम रहीम के लोगों की परमिशन के बिना कोई अंदर जाना तो दूर, यहाँ पर झाग भी नहीं सकता। इससे बाद पाखंडी बाबा के प्राइवेट रूम से जो 2 भागों में बटे हुए, जिनमें से एक हिस्से में यह उन साध्वियों और लड़कियों के साथ घिनौनी हरकत करता था, उनके साथ दुष्कर्म करता था, उनका बलात्कार करता था, उनके साथ जिस्म के साथ खिलवाड़ करता था, और एक हिस्से में खुद रहता था। यहाँ पर इसके 2 चेहरे साफ नजर आते हैं, एक बाबा का और एक जानवर का। महल के अलावा बाकी बचे हिस्से में रहवासी क्षेत्र है जिसमें 3 बड़ी बड़ी कॉलोनियां हैं। डेरे में बड़े 3 हॉस्पिटल्स हैं, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, एक इंटरनेशनल आई बैंक है जिसमें विदेशी समर्थक पैसा जमा करते हैं। डेरे में अपना खुद का एक गैस स्टेशन भी है, बड़े बड़े प्लेग्राउंड्स भी हैं, यानी वो हर चीज आपको यहाँ मिलेगी जो किसी आम शहर में मिलती है। लोगों का कहना था कि यहाँ पर छोटी से लेकर बड़ी कोई भी चीज बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ तक कि डेरे की अपनी खुद की करेंसी भी थी जिस पर राम रहीम की तस्वीर मुद्रा के रूप में छपी होती है। यहाँ पर केवल यही करेंसी मान्य होती थी, यहाँ आपके रुपयों का कोई मूल्य नहीं होता था। पहले आपको अपने रुपयों को डेरे की मुद्रा से बदलवाना पड़ता था, उसके बाद ही आप कोई चीज यहाँ से खरीद सकते थे। डेरे की सुख सुविधाओं के कारण ही यहाँ के लोग यहाँ के आदि हो गए थे और उनका बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं था। यहाँ की टीवी पर भी केवल राम रहीम के प्रवचन चलते थे। अपने आप को हीरो की तरह प्रोजेक्ट करने वाला यह शख्स हर वो काम करता है जो उसके जी में आता था, फिर वो चाहे नाइट डांस हो, पब में डांस हो, गेम्स हो या फिर कुछ और। अपने आप को बाबा कहने वाले इस शख्स का मन जब फिल्म करने का करता था तब यह फिल्में बनाता था। अपने आप को मैसेंजर ऑफ गॉड यानी ईश्वर का फरिश्ता बताकर फिल्म में हीरो का रोल करता था।
जब इसका मन बड़ी गाड़ियों में घूमने का करता था तब ये बड़ी गाड़ियों में घूमता था, जब इसका मन रॉक कॉन्सर्ट करने का करता था तब ये रॉक कॉन्सर्ट करता था और आयोजकों से मोटी रकम फीस के रूप में वसूलता था, करीब 25 लाख रुपए पर कॉन्सर्ट। जब इसका मन करता था ये अच्छे कपड़े पहनता था और कहा तो ये भी जाता है कि जो कपड़े ये पहनता था वो इसी के द्वारा डिजाइन किए जाते थे। ये गुफा महल, गुफा नामक महल और पूरा सिरसा का साम्राज्य भी इसी के द्वारा डिजाइन किया गया है। यानी अपनी छोटी से लेकर बड़ी हर चीज ये खुद फाइनल करता था। इसे अपने ऐशो आराम में, अपनी लग्जरियस लाइफ में कोई दखल मंजूर नहीं था और उसमें ये कोई कसर नहीं छोड़ता था। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि इस राम रहीम की रोजाना इनकम कितनी है। रोजाना राम रहीम लगभग 16 लाख रुपए छापता था और सन 2010-11 में इसका टर्नओवर 16 करोड़ रुपए था, जो 2012-13 में बढ़कर 29 करोड़ रुपए हो गया और आज इसकी कुल संपत्ति की मार्केट वैल्यू लगभग 5000 करोड़ रुपए है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 5000 करोड़ रुपए। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि बाबा कहे जाने वाले राम रहीम का इतिहास क्या है। इतिहास के बारे में मैं आपको बताता हूं। इसका जन्म देश की आजादी के ठीक 20 साल बाद यानी 15 अगस्त 1967 में राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के गुरसर मोदिया गांव में एक जट सिख परिवार में हुआ था। राम रहीम अपने माता पिता की इकलौती संतान था और उसके परिवार वालों ने उसे 7 साल की उम्र में ही डेरे को सौंप दिया था और मात्र 23 साल की उम्र में उसकी प्रतिभा देखकर डेरा प्रमुख शाह सतनाम सिंह ने 1990 में पूरे विश्व भर से अपने फॉलोअर्स को बुलाकर सत्संग बुलाकर अपनी गद्दी से सौंप दी थी, अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। संन्यास लेने के बावजूद राम रहीम का पारिवारिक मोह नहीं छूटा और इसकी 3 बेटियां और 1 बेटा है, जिनमें से एक लड़की को इसने गोद लिया है और राम रहीम के बेटे की शादी भटिंडा के एक पूर्व MLA की बेटी से हुई है। यहां पर एक आश्चर्य करने वाली बात यह है कि अब तक राम रहीम की पत्नी के बारे में ना तो कोई जानकारी उपलब्ध है, ना तो उसकी कोई तस्वीर उपलब्ध है। दुनिया भर में राम रहीम का ऐसा दावा है कि दुनिया भर में इसके 250 आश्रम है और लगभग 5 करोड़ अनुयायी है और सभी अपने सरनेम्स में इंसान शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल यह है कि जो लोग अपने सरनेम के आखिरी में इंसान शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो जब अपने धर्म गुरु को दोषी पाने के बाद सजा होती है तो पूरे हरियाणा में पेट्रोल बम से हमला करते हैं, तलवारें निकालते हैं जिसमें लगभग 38 लोगों की मौत हो जाती है। अब सवाल यह है कि क्या हमारा सिस्टम इतना कमजोर है कि हम इसे बाबाओं से नहीं लड़ सकते, क्या हम इसे पाखंडी बाबाओं की तलाश नहीं कर सकते, और सवाल यह है कि क्या हर इतिहास को देखते हुए क्या हर 2-3 साल में हमें ऐसे बाबाओं को देखने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। हमको ऐसे 2-3 बाबा हर साल दिखते रहेंगे जो किसी न किसी आरोप में किसी आतंकवादी से जुड़े होने के कारण, रेप के कारण, पॉलिटिकल लीडर्स से साठगांठ करने के कारण किसी न किसी वजह से जेल जाते रहेंगे, चाहे वो आसाराम बापू हो, राम रक्ष हो, राम रहीम हो, कोई भी बाबा हो। क्या अगले 2-3 साल में फिर हमें ऐसे बाबा देखने को मिलेंगे? क्या अब हमें किसी भी धर्म गुरु के ऊपर विश्वास करने से पहले किसी सरकारी संस्था का सर्टिफिकेट चाहिए कि हम उस गुरु को अपना आराध्य मान सकें? क्या हम इतने कमजोर हो गए, भारत के लोग इतने कमजोर हैं कि उन्हें इस तरह के धर्म गुरुओं को मानना पड़ता है, उनको फॉलो करना पड़ता है? अब सवाल यह भी है कि जो लोग अभी तक किसी धर्म गुरु को मानते हैं उनका उनके ऊपर से विश्वास उठने लगा है, उनका विश्वास अब उन लोगों पर से कमजोर हो गया है कि शायद कहीं वो उनके गुरुजी भी ऐसी कहीं घटनाओं में शामिल तो नहीं है। धन्यवाद।